हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनरी पल्टन और तमिल तलाईवास के बीच में जो सेकंड सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा, इसको कवर करेंगे और देखेंगे क्या टीम आपको बनानी चाहिए, क्या प्लेयर बैटल आपके सामने रहने वाले आज के मैच में, सारी चीजें विजुअलाइज करेंगे। बस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है और जैसे ही आप वीडियो वॉच करेंगे आप खुद समझ जाएंगे किन प्लेयर्स को लेना है, किन को एलिमिनेट करना है। तो गाइस, ये है सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला और फाइनल टीम का अपडेट आपको मिलेगा कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे। तो कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो फाइनल टीम के अपडेट आपको टाइमली मिल जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों टीमों का क्या परफॉर्मेंस रहा है पॉइंट्स टेबल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुनरी पल्टन इस सीजन की सेकंड बेस्ट टीम बनी है, और वहीं अगर हम बात करें तमिल तलाईवास की तो फिफ्थ बेस्ट टीम तमिल तलाईवास है। तो यहाँ पे स्लाइटली बेटर है पुनरी पल्टन। 22 में से 10 मुकाबले तमिल तलाईवास ने जीते हैं और 22 में से 14 मुकाबले पुनरी पल्टन ने जीते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि दोनों टीमों की जो लाइनअप है मेरे हिसाब से बेस्ट खिलाएंगे, और पिछले मैच में पुनरी पल्टन ने पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंटल लाइनअप खिलाई थी। तो मैं बेस्ट लाइनअप आपको दिखाऊंगा और उसके हिसाब से टीम बनाऊंगा, ठीक है गाइज। ये होनी चाहिए स्टार्टिंग सेवन पुनरी पल्टन की, अगर सारे खिलाड़ी फिट हैं। अगर सारे खिलाड़ी फिट हैं तो इससे बेहतर प्लेइंग इलेवन, मतलब प्लेइंग स्टार्टिंग सेवन इनके पास कुछ नहीं है। सबसे पहले इनके पास मोहित गोयत होने चाहिए, जो कि राइट रेडर हैं और राइट इन पोजीशन यानी कि राइट कॉर्नर के बाजू में खेलते हैं, यानी सोमवीर के जस्ट बाजू में आपको मोहित गोयत दिखते हैं। फिर आते हैं आकाश शिंदे, जो कि टीम के लेफ्ट रेडर हैं और सोलो खेलते हैं, यानी कि विदाउट चेन खेलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। असलम इनामदार, ये टीम के लेफ्ट रेडर हैं, बहुत ही अच्छा फुटवर्क है इनका, और लेफ्ट इन पोजीशन यानी कि फजल अतराचली के बाजू में खेलते हैं। फिर आते हैं अभिनीश नदराजन, राइट कवर इन टीम के, राइट से आने वाले रेडर्स को परेशान करेंगे, फजल के साथ इनकी अच्छी जोड़ी बनती है। और संकेत सावन, ये लेफ्ट कवर है, लेफ्ट से आने वाले रेडर्स को परेशान करेंगे और इनकी जोड़ी सोमवीर के साथ अच्छी बनती है। हालांकि दोनों प्लेयर थोड़ा सा एवरेज खेले हैं, सोमवीर का परफॉर्मेंस फिर भी थोड़ा सा बेटर है इस साल, बट संकेत सावन का परफॉर्मेंस बहुत एवरेज रहा। नदराजन अच्छा खेले और फजल अतराचली बेस्ट है, अपनी टीम का डिफेंस चलाते हैं। तो ये स्टार्टिंग सेवन जो है पुनरी पल्टन की मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, अगर सारे प्लेयर फिट हैं। अगर कोई प्लेयर फिट नहीं होगा तो फिर एक आध चेंज आपको इसमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तमिल तलाईवास की, तो तमिल तलाईवास भी काफी अच्छी टीम है, लास्ट मैच भी इन्होंने काफी अच्छा खेला, कुछ एक दो प्लेयर्स का फॉर्म भी वापस आया है पिछले कुछ मैचेस में, जैसे कि अजिंक्य पवार हैं, जो पिछले 3-4 मैचेस से आप देख रहे हैं लगातार फॉर्म पकड़ते जा रहे हैं। ये लेफ्ट से रीडिंग करते हैं, नरेंद्र भी लेफ्ट से रीडिंग करती है तो टीम के लिए अच्छा कर ही रहे। हिमांशु, ये लेफ्ट से रीडिंग करते हैं और लेफ्ट इन पोजीशन यानी कि लेफ्ट कॉर्नर के बाजू में खड़े रहते हैं, यानी साहिल गुलिया के बाजू में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम हिमांशु दिखेंगे, और सरोहा के सामने मतलब सरोहा के बाजू में आपको अजिंक्य पवार दिखेंगे। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी की पूरी टीम लेफ्ट रेडिंग है, यानी सामने वाली टीम का जो राइट कॉर्नर होगा सोमवीर, आपको पता है पुनरी पल्टन का राइट कॉर्नर सोमवीर है, जिसका एवरेज 3 टैकल्स पर मैच का है। थोड़े से आखिरी कुछ मैच उसके जरूर खराब गए, बट आज उसके पास मौका होने वाला है। तो नरेंद्र, पवार, हिमांशु, ये तीनों ही आपको लेने चाहिए, क्योंकि दोनों रेडर बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये डिफेंस में बहुत अच्छा करते, कभी कभी रेडिंग में भी ठीक ठाक कर जाते हैं, सुपर टैकल्स वगैरह में भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। अभिषेक और मोहित, यहां से थोड़ी सी टीम वीक होती है क्योंकि ये लोग परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम दे रहे हैं, इनके कॉर्नर्स काफी अच्छा कर रहे हैं। लास्ट मैच में हालांकि सरोहा थोड़ा सा कमजोर खेले क्योंकि सामने रेडर बहुत अच्छे थे, साहिल गुलिया ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है। तो सरोहा भी इंपॉर्टेंट है, बट साहिल गुलिया ने ज्यादा मैचेस खेले हैं तो इनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और इस साल ज्यादा मैचेस खेले हैं तो इनके पास फॉर्म भी थोड़ी सी बेटर है। तो ये स्टार्टिंग सेवन होगी तमिल तलाईवास की। अब हम बात करते हैं तमिल तलाईवास के रेडर्स के सामने पुनरी पल्टन का डिफेंस कैसा होगा, तो उस पर चर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है वीडियो का। तो देखिए, तमिल तलाईवास के सारे रेडर्स जो आप देख रहे हैं, नरेंद्र हो गए, पवार हो गए, हिमांशु हो गए, ये सारे के सारे रेडर जो हैं ये लेफ्टी हैं, ये सारे के सारे रेडर जो हैं ये लेफ्ट से ही रेडिंग करेंगे। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, सामने वाली टीम के राइट कॉर्नर सोमवीर को। थोड़ा सा फॉर्म इनका जरूर ऑफ है बट ओवरऑल अच्छे प्लेयर हैं और आज मौके बहुत मिलने वाले सोमवीर को। तो सोमवीर मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़े से आज इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, ये सोमवीर हैं, ठीक है। इनके जस्ट बाजू में अगर मोहित गोयत खेले, खेलना चाहिए, अगर इंजर्ड नहीं है तो खेलना ही चाहिए, वैसे इंजर्ड नहीं मेरे हिसाब से, हाँ असलम इनामदार थोड़े से बीच में इंजर्ड हुए थे, तो मोहित गोयत वापसी करेंगे तो सोमवीर के जस्ट बाजू में इनको खेलना चाहिए, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं मोहित गोयल, डिफेंस में भी एक्टिव रहते हैं और इवन रेडिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, कप्तानी वाइस कप्तानी की सबसे दमदार पिक्स में से एक रहेंगे। इसके बाद आकाश शिंदे, ये सोलो खेलेंगे, साथ के डिफेंस में पीछे रहेंगे, बाकी दो-दो की चेन बन जाएंगी तीन। अभिनेश नदराजन, ये टीम के राइट कवर है, राइट से आने वाले रेडर्स को परेशान करेंगे बट राइट से रेडर ही नहीं आएंगे तो इनको थोड़ा सा जो है अपोज में खेलना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा लेफ्ट कवर पोजीशन पे स्विच करना पड़ेगा। संकेत सावल प्रॉपर लेफ्ट कवर है तो आज सावल को थोड़ा सा
एडवांटेज हो सकता है, हालांकि इनकी फॉर्म बहुत खराब चल रही है। फिर देखिए यहां पे आएंगे असलम इनामदार, अगर फुली फिट होंगे तो फजल के बाजू में ये खेलते हैं, और फजल अतरचली को आज थोड़े से बल्कि बहुत सारे एडवांस टैकल करने पड़ेंगे, बैक होल्ड करने पड़ेंगे, लाइन के पास आके खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेडर्स मूवमेंट करेंगे मोस्टली इस सेक्शन में करेंगे, फजल से बचेंगे ये, क्योंकि फजल आपको पता है, उनको भी पता है कि बेस्ट डिफेंस है टीम का, तो फजल के सामने जाएंगे ही क्यों। कोशिश करेंगे यहां से अभिनेश नदराजन, संकेत सावंत, सोमवीर के जोन में रहे और फजल को अवॉइड करने की कोशिश रहेगी तमिल तलाईवास के रेडर्स की, तभी इनके पॉइंट ज्यादा होंगे। और वही है कि आप फजल को थोड़े से आगे जाके आगे बढ़ बढ़ के टैकल्स करने पड़ेंगे, थोड़ा सा इनके लिए जो है उतने अच्छे वो नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं रहेगी, बट बना लेते हैं फजल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये है सारा कुछ, आप देख लीजिए। अगला हम बात करेंगे पुनेरी पल्टन की रेडर्स वर्सेस तमिल तलाईवास के डिफेंस की, तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। सबसे पहले पुनेरी पल्टन के जो रेडर्स हैं उसमें दोनों रेडर जो इनके हैं असलम इनामदार और आकाश शिंदे, ये लेफ्ट रेडर्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों लेफ्ट रेडर्स हैं तो लेफ्ट से रेडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर आप रेशियो भी देखें तो ये अगर तीन रेडर्स के साथ खेलते तो सारे रेडर का परसेंटेज लगभग इक्वल होता है रेडिंग में, 33-33% के आसपास रेडिंग होती है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा रीडिंग लेफ्ट से होगी, तो सीधा सा एडवांटेज सरोहा को हो सकता है। सरोहा आज आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके जस्ट बाजू में अजिंक्य पवार होते हैं जो मोस्टली रेडिंग करते हैं बट कभी कभी डिफेंस में भी एक्टिव हो जाते हैं। यहां से मोहित का रोल अच्छा रहेगा बट मोहित फॉर्म में नहीं है, लेफ्ट कवर है टीम के, इनको ये जोन देखना पड़ेगा। और राइट कवर टीम के यहाँ पे एम अभिषेक है, एम अभिषेक का फॉर्म बहुत खराब है, और अगर आप देखें कुछ ऐसे प्लेयर जो टैकल ज्यादा करें और जिनका सक्सेस रेट कम हो तो उसमें अभिषेक आते हैं, तो अभिषेक का फॉर्म थोड़ा सा उतना अच्छा है नहीं। और यहाँ से गोयत है तो गोयत जैसे प्लेयर को ये पकड़ भी नहीं पाएंगे, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे ही एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं साहिल गुलिया, इनके सामने मोहित गोयत रहेंगे अगर मोहित गोयत खेले तो, हालांकि गोयत बहुत अच्छे प्लेयर है तो थोड़ा सा गुलिया के पास मौके कम होंगे, गुलिया को मेरे हिसाब से थोड़ा सा सामने से कम रेडिंग आएगी बट एडवांस टैकल्स थोड़े से ज्यादा करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे हिमांशु है गुलिया के बाजू में, हिमांशु ये आपको लेफ्ट विंग पोजीशन पे देखने को मिलते हैं और टैकल्स में इन्वॉल्व रहते हैं, थोड़ी बहुत रेडे भी डालते हैं। नरेंद्र आपको सोलो देखेंगे विदाउट चेन, यानी कि साथ के डिफेंस में नरेंद्र पीछे खेलेंगे यहाँ पे, और बाकी इन दो प्लेयर्स की चेन रहेगी, एम अभिषेक और मोहित की कवर्स की चेन रहेगी, यहाँ पे सरोहा और पवार की यहाँ पे चेन रहेगी राइट कॉर्नर और राइट इन, और लेफ्ट इन और लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे इनकी चेन रहेगी, किनकी, हिमांशु प्लस साहिल गुलिया, ठीक है। तो ये कुछ आपको चीजें मैट पे देखने को मिलेंगी जो मैंने आपको बता दी। अब आगे हम देखते हैं टीम कैसी बनेगी, टीम बनेगी भाई कैसी, ऐसी मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज आप कर लीजिएगा क्योंकि मैंने जो टीम बनाई है थोड़ा सा एक्सपीरियंस देख के भी बनाई है, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, सबसे पहले आप देख लो टीम आपको क्या बनानी है। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको पिक करना है नरेंद्र होशियार को, इनको पिक करना ही है, ये चॉइस ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा खेले इस साल और अपनी टीम को फाइनल्स तक लेके गए, सेमीफाइनल्स तक लेके गए हैं, तो मेरे हिसाब से नरेंद्र आपके लिए बेस्ट चॉइस होंगे कैप्टेंसी के लिए। पवार का फॉर्म भी पिछले कुछ मैचेस से काफी ज्यादा सुधरा है तो इनको आप अपना वाइस कप्तान कर सकते हैं। अब मोहित गोयल थोड़े से मैचेस मिस करने के बाद खेल रहे तो पता नहीं कैसी क्या फॉर्म है बट फिर भी इंपॉर्टेंट होंगे। और इवन असलम इनामदार भी, वो भी थोड़े से बीच में इंजर्ड हो गए थे बट असलम इनामदार भी काफी इंपॉर्टेंट पिक होते हैं, अगर खेलते हैं तो उनको टीम में आप ले सकते हैं, ठीक है। वो लेफ्ट हैंड पोजीशन पे खेलेंगे हालांकि उस साइड रेडिंग थोड़ी सी कम होगी। तो तीन अगर रेडर लेने हैं तो मैं थोड़ा सा इनफॉर्म रेडर्स के साथ जाना पसंद करता हूं तो मैं इनके साथ जाना पसंद करूंगा। हिमांशु को मैं अपने ऑलराउंडर सेक्शन में शामिल करूंगा, कुछ रेडे भी करेंगे और डिफेंस में भी एक्टिव होते हैं। और फिर यहां पे मैंने फजल को लिया है, फजल को आज थोड़े से एडवांस टैकल करने पड़ेंगे बट इंपॉर्टेंट मैच है तो ये अटेम्प्ट्स बहुत मारेंगे और जब अटेम्प्ट्स मारेंगे तो फजल के अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इसके बाद साहिल गुलिया को मैंने टीम में पिक करा है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, हालांकि आप इनकी जगह पे ए सरोहा को भी ले सकते हैं, ठीक है। सरोहा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उनके साइड रेडिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी तो गुलिया की जगह पे आप सरोहा को ट्राई कर सकते हैं। और सोमवीर को मैंने पिक करा है, आप अभिनीश नदराजन के साथ जा सकते हैं बट नदराजन के जोन में रेडिंग होगी नहीं और सोमवीर के सामने पूरी रेडिंग आने वाली है, पूरी पूरी लेफ्ट रेडिंग इनके सामने आएगी तो या तो ये आउट होते रहेंगे या तो ये टैकल पॉइंट्स लाते रहेंगे तो चांसेस सोमवीर के पास थोड़े से ज्यादा होंगे, इसलिए इनको टीम में मैंने शामिल किया है। तो ओवरऑल ये मेरी टीम है और टीम कहां बनाई है मैंने, माई फेव 11 एप्लीकेशन पे। क्यों बनाई है, क्योंकि माई फेव 11 एप्लीकेशन पे होता क्या है, आपको एंट्री फी बहुत ज्यादा कम देनी है, ठीक है। माई फेव 11 आपको सबसे कम एंट्री फी चार्ज करता है और इसके अलावा यहां पे क्रेडिट का कोई इशू नहीं होता है तो टीम बड़े आराम से यहां पे बन जाती है, ठीक है। रेफर कोड एफएक्स लगाना मत भूलेगा जब भी साइन अप करें, जो भी लोग रेफर कोड एफएक्स लगाएंगे उनको बोनस, फ्री एंट्री और गिव अवे वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। तो फटाफट आइए, रेफर कोड एफएक्स लगाइए माई फेव 11 पे और खेलना शुरू करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब का बटन यहां पे दिखेगा, लाइक का बटन भी यहां पे दिखेगा,
अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए और आपके लिए ऐसे वीडियो लाता ही रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।